आईपीओ मार्केट के बारे में और पूरे शेयर बाजार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। और संदीप जी, आपकी खास बात है कि आप ऐसे प्रोग्राम्स लेके आते हैं जो इन्वेस्टर की लाइफ लाइन के लिए काम करते हैं। और इनफैक्ट मैं सर आपसे ये कहने वाला था कि जब आपसे बात होती है, जब भी आपसे चर्चा हुई है, तो हम ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के ऊपर है, शेयरों के बारे में हमने चर्चा करी, यानी कि सेकेंडरी मार्केट पे ज़्यादा फोकस रहा है। इस बार हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट है सर, वो प्राइमरी मार्केट के ऊपर है, हमने आईपीओस के ऊपर खास तौर पे फोकस किया है और आज हमारी जो चर्चा है इनफैक्ट उसी के ऊपर रहने वाली है। ये जो हमने स्पेशल रिपोर्ट तैयार करी, उसमें हमने ये पता किया कि 2021 की तुलना में 2022 में अब तक जिन कंपनियों के आईपीओ आए हैं, उन्होंने पिछले साल के मुकाबले आधी से भी कम रकम जुटाई है। सर, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? क्या जिस तरह से हमने पिछले साल देखा था कि पेटीएम, पीबी फिनटेक जैसी जो नए जमाने की कंपनियां हैं, उनके आईपीओ की काफी ज्यादा पिटाई हुई थी हायर लेवल से और अपने इशू प्राइस के वो नीचे ट्रेड कर रही हैं, या फिर आप समझते हैं कि आईपीओ के बाद जिस तरह से एलआईसी के शेयर ने ट्रेड किया है, ऊपरी स्तरों से जिस तरह से गिरावट आई है, वो एक वजह रही जिस वजह से कम आईपीओ आए हैं, कम रकम जुटाई गई इस साल? देखिए संदीप जी, देखा जाए तो घूम फिर के ये सारी वजह तो है ही है, लेकिन दो प्रमुख वजहों पर जिनपे चर्चा करते हैं वो है इंपॉर्टेंट इस समय। जब आईपीओ का बाजार आता है तो आईपीओ में नए इन्वेस्टर का अग्रेशन काफी ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि रिटर्न मिलने की प्रॉबिलिटी होती है। और जब इस तरीके से कि पेटीएम, एलआईसी और नाइका जैसे आईपीओ जो कि बहुत अच्छा खुलने के बाद भी उस रिस्पांस को फिर से वापस नहीं दे पाते, तो उसके बाद कहीं ना कहीं से कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस यहाँ पर लूज होता है। वो एक वजह होती है कि आप बहुत बड़ा अगर आप आईपीओ का यहाँ पर हाइप क्रिएट होता है और रिटर्न्स भी मिलते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस डर जाता है और लगता है कि मार्केट में अब उनको रिटर्न मिलने के चांसेस कम है। तो पहला ये इम्पोर्टेंट रीजन होता है जिसकी वजह से आईपीओ मार्केट में और नए जो कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ पर अप्रोच करते हैं, वो यहाँ पर कमी देखने को मिली। दूसरा, इस समय आपने देखा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को हिट कर रहे हैं। तो जो नई कंपनियां जो पैसे इकट्ठा करना चाहती वो भी डरती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं उनका आईपीओ उतना सक्सेसफुल ना हो। और जब पीछे की हिस्ट्री देखी जाती है तो थोड़ा सा कॉन्शियस वे में यहाँ पर आईपीओ कंपनीज चल रही हैं, जिसकी वजह से आपको ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है वैसे भी अगर 2022, 23, 23, 24 के प्रॉस्पेक्ट से देखते हैं तो अभी बहुत से ऐसे आईपीओ आने वाले हैं जो कि इन्वेस्टर को भी मालामाल करेंगे और आपकी ग्रोथ और फंड को भी यहाँ पर काफी बढ़ाएंगे। ओके, तो दो रीजंस हैं, एक तो कंज्यूमर्स का सेंटीमेंट खराब हुआ है जिस वजह से हमने देखा है कि आईपीओस कम है, और दूसरा बाजार का सेंटीमेंट भी बिगड़ा है जिसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन और इन्फ्लेशन, ये दो मुख्य कारण रहे हैं जैसा हमें रवि सर बता रहे हैं, जिस वजह से ओवरऑल आईपीओ मार्केट पर भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। पर सर, इन सब चिंताओं के बीच में हमने देखा है कि इस साल जो आईपीओ आए हैं, कुल 22 आईपीओ आए हैं अक्टूबर के अंत तक, जिसमें से 16 ऐसे हैं जो कि अपने इशू प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये मैं आपको 1 नवंबर तक के आंकड़े बता रहा हूँ। इनमें से 3 कंपनियां तो ऐसी हैं जो कि इशू प्राइस से 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न दे चुकी हैं, और 6 कंपनियों के शेयरों में अब भी अगर आप देखेंगे तो निवेशकों के 50% से लेकर 96% तक के जो रिटर्न हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये सेबी की ओर से जो सख्ती हुई है, जो रूल्स टाइटन किए गए हैं, उसका असर है, या वाकई में जो सेंटिमेंट सुधरा है उस वजह से हमने देखा है कि इतना अच्छा इम्पैक्ट आईपीओ मार्केट पर आया है? देखिए संदीप जी, दोनों चीजें हैं। पहली बात है सेबी ने काफी सख्ती की है, जिसकी वजह से अब जो खास तौर से मैनिपुलेटिव स्टॉक्स होते थे या फिर मैनिपुलेटिव कंपनीज होती थी जो अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रांग करने के बजाय या प्रोजेक्ट को स्ट्रांग करने के बजाय, अपने प्रोडक्ट लाइन को स्ट्रांग करने के बजाय आईपीओ से पैसा कलेक्ट करती थी और आईपीओ आने के बाद उनकी हकीकत जो है वो सामने आ जाती थी, तो अब कहीं ना कहीं से यहाँ पर सेबी की सख्ती का भी एक असर है। दूसरी तरफ है कि इस समय अगर आप देखिए तो थोड़ा सा ट्रेंड में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। ट्रेंड में बदलाव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं रहते, और इसका एक सीधा सा एग्जांपल आपको नाइका, खासतौर से जिस स्टॉक ने एक नए हाई बनाया और आज वो अपने इश्यू प्राइस से नीचे चल रहा है, इसलिए क्योंकि 42,000 करोड़ की कंपनी सिर्फ आपको 2 करोड़ रुपए क्वार्टर के प्रॉफिट दे रही है, तो इन्वेस्टर इन सब चीजों को अब समझने लगा।
दूसरी तरफ है कि इस समय जो कंपनियों ने अच्छे रिटर्न दिए हैं उनके छोटे आईपीओ है, यानी कि 500 से 800 करोड़ के जो आईपीओ इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी बात है कि उनकी प्रोडक्ट लाइन अच्छी है, आपके उनके पैट अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है और ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, जिसका की इम्पैक्ट है। और जिन कंपनियों के शेयर अभी यहाँ पर इश्यू प्राइस से नीचे चल रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें उनमें कम दिखाई देगी, यानी कि उनके में पैट ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगी, रेवेन्यू में हिट देखने को मिलेगा और साथ ही ऑर्डर बुक में भी कहीं ना कहीं से असर देखने को मिला है। तो ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अभी फिलहाल अब कंपनियां पूरी ऑर्डर बुक और अपने रेवेन्यू और अपने पैट ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग करके अब यहां पर आईपीओ ला रही हैं, जिसका फायदा इन्वेस्टर को भी मिल रहा है और कंपनियों को भी उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो रेगुलेटर की ओर से सख्ती बढ़ी है जिस वजह से अब अच्छी कंपनियां, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां बाजार में आई हैं। भले ही इशू कम आए हैं लेकिन अच्छे इशूज आए हैं जिस वजह से निवेशकों को भी उसका फायदा मिला है और अच्छी खासी कमाई भी उनकी होती हुई दिखी है। अब अगर हम सब थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग बात करें, 2022 के जो आखिरी 2 महीने बचे हैं उसके लिए अगर देखें तो आईपीओ मार्केट में जो पाइपलाइन है वो काफ़ी मजबूत है। काफ़ी सारी कंपनियां जिनके आईपीओ लाइंड अप हैं, 2 महीने में अगर आप देखें तो करीब दर्जन भर कंपनियां जिनके आईपीओ आने वाले हैं और उससे ये कंपनियां करीब 15,000 करोड़ रुपये के आसपास की रकम जुटाने वाली है। क्या 2022 के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इन सभी में पैसा लगाना चाहिए या फिर केस टू केस बेसिस पर इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या राय होगी आपकी? देखिए संदीप जी, मैं आपके इन्वेस्टर को 2 स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताता हूँ। एक तो पहली बात आपने बिल्कुल सही कही कि आप भेड़ चाल में मत चलिए, आप ऐसा मत सोचिए कि अब आईपीओ सब अच्छे आ रहे हैं तो सब में लगा दीजिए। सब आईपीओ में एक डिटेलिंग जरूर देखिए। डिटेलिंग का मतलब है कि कंपनियां 4 क्वार्टर के प्रॉफिट या 4 ईयर के प्रॉफिट जो दिखा रही हैं उनमें कंसिस्टेंसी कितनी है, यानी कि वो इक्वल नंबर है या नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, एक कंपनी का अभी मैं आईपीओ देख रहा था, ग्लोबल हेल्थ, खासतौर से मेदांता ग्रुप की ये कंपनी है। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप आम इन्वेस्टर समझ सके कि आपको कैसे देखना है। उस कंपनी का आप अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो पहले फाइनेंशियल में उसने 30 करोड़ का प्रॉफिट, दूसरे में 28 करोड़ का प्रॉफिट और आईपीओ आने से पहले मार्च 2022 में अचानक से प्रॉफिट जो है वो 196 करोड़ का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं से ये थोड़ी सी चिंताएं यहाँ पर बढ़ाता है और आपको इस तरीके की एनालिसिस आपको जरूर देखनी चाहिए और ये देखिए कि उनके नंबर्स कितने स्ट्रांग है, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट कितना है और आगे वो कंपनियां कितना प्रॉफिट दे पाएंगी, तभी आप इस तरीके से निवेश करें। नहीं तो आप जैसे हम शेयर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे रेटिंग निकालते हैं, आप उन रेटिंग्स का भी फायदा उठा सकते हैं और उस तरीके से निवेश की रणनीति बनाएंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। दूसरी तरफ है कोई भी आईपीओ लिस्ट होता है, संदीप जी मैं 1 मिनट यहाँ पर और लेना चाहूंगा, हमेशा एक स्ट्रैटेजी मैंने हर प्लेटफॉर्म पे बताया है, बार बार आपको शो में बताता हूँ, आईपीओ लिस्ट होने के बाद 50% पोजीशन आपको प्रॉफिट में है, बुक कर लीजिए, कुछ दिमाग मत लगाइए। दूसरा, उसी दिन का क्लोजिंग प्राइस नोट कर लीजिए, अगर 3 दिन उससे आईपीओ नीचे बंद होता है तो पूरा एग्जिट कर लीजिए। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, आपको आईपीओ में कभी भी नुकसान नहीं होगा, नुकसान से आप मिनिमम नुकसान से आप निकल पाए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी जब आप इस खासतौर पे आईपीओ में निवेश करते हैं तो उसके 4 क्वार्टर्स के पिछले या फिर 4 साल के नतीजे जरूर देख लीजिए, अगर उसमें कंसिस्टेंसी है या बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आपको आईपीओ आने से पहले नहीं दिखता है तो आप ज़रूर उसमें निवेश कर सकते हैं। और इनफैक्ट आपको एक रणनीति और भी बता दी गई है, अगर आपको किसी आईपीओ में प्रॉफिट हो रहा हो, मुनाफा बन रहा हो, 50% के आसपास बन रहा हो तो आंख बंद करके बिना दिमाग लाए उसमें आप अपना मुनाफा बुक कर लीजिए और एक क्लोजिंग बेसिस पे उसका जो क्लोजिंग प्राइस है उसको देख लीजिए, अगर 3 दिन तक उसके नीचे ही रहता है तो फिर आप उससे पूरी तरह से एग्जिट कर जाइए। ये भी रणनीति बहुत साफ बहुत स्पष्ट है, क्लोजिंग प्राइस को आप ट्रैक कीजिए, उसके बेसिस पे आप अपनी जो पोजिशंस हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं और उसके बाद उनमें आप एग्जिट या तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए सर, ये तो आईपीओ मार्केट की बात हुई, लेकिन जैसे मैंने शो की शुरुआत में कहा था आपको कि आप आते हैं तो फिर सेकेंडरी मार्केट की बात तो जरूर होती है। मार्केट में हम देख रहे हैं कि 18,200 के आसपास के हमने रीसेंट हाईज देखे थे निफ्टी में, वहां से लगभग 200 अंकों के आसपास की गिरावट हो चुकी है। जैसे हम शो की शुरुआत में ही बात कर रहे थे कि फेड की पॉलिसी आई थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से भी जो फैसला आया है उसके बाद जो रिसेशन का खतरा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, जिसका इम्पैक्ट हमने भारतीय बाजारों पर भी आता हुआ देखा है। ऐसे में जो विदेशी निवेशक हैं उनकी ओर से हमने देखा है कि अक्टूबर के आखिर में काफी तेज खरीदारी होती हुई दिखी थी, अब उनका रुख कैसा रहेगा जिस तरह की हमने फेड की पॉलिसी देखी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से जो कमेंट्री आई है, क्या उसके बाद कोई उम्मीद बची है कि जो साल के 2 महीने बचे हैं 2022 के 18,604 का जो ऑल टाइम हाई था वो आ जाएगा?
देखिए अभी इसमें अगर सेंटिमेंट के हिसाब से देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय बाजार इंटरनेशनल कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन या यूरोप के अगर इन्फ्लेशन को देखते हैं तो उससे हमारी जो सिचुएशन है वो काफी स्ट्रांग है, या फिर हम ये कहें कि उतना ज्यादा हिट नहीं है। आरबीआई ने यहाँ पर समय समय पर उस पर डिसीजन लिए, लेकिन ओवरऑल रिसेशन है, ये एक सच्चाई है। लेकिन इस समय इंडेक्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो एक अक्टूबर 21 में एक 18,600 का हाई बना था, उसके बाद मार्केट ने कई बार हिट करने की कोशिश की, 18,100 पहुंचा, 18,200 पहुंचा, 18,300 पहुंचा, लेकिन 4 से 5 बार हिट करने के बाद अभी तक वो एक 18,600 का आंकड़ा नहीं छू पाया। लेकिन अब अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें, 2 से 3 साल के हिसाब से देखते हैं, या फिर आप 1 साल का प्रोस्पेक्ट यहां पर रखें, तो मुझे ऐसा लगता है संदीप जी मैं काफी बुलिश हूँ, शायद ज्यादा अग्रेसिव बुलिश हूँ, क्योंकि अगर यहां पर अब 18,600 का आंकड़ा छूता है मार्केट, तो आप बिलीव करिएगा कि अगला टारगेट 18,600 के बाद 19,000 नहीं होगा, 20,000 नहीं होगा, बल्कि 21,000 होगा। तो आप इतनी बड़ी लंबी तैयारी के अगर लिए हैं तो थोड़े बहुत कदम आपको पीछे हटाने पड़ते हैं, तो ये सिचुएशन यहीं पर दिखाई दे रही है। मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, लेकिन आप बेस को ध्यान रखिए कि अब 17,200-300 के नीचे का बेस नहीं बनेगा, वो एक ऊपरी लेवल दिखाई देंगे। और रही बात लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से, मैंने बताया कि यहाँ पर 18,600 के टारगेट जरूर अचीव होंगे, लेकिन कहीं उससे ज्यादा अभी तेजी के कारण यहाँ पर बचे हुए हैं, जो कि आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। सर, जो आपने 21,000 का टारगेट बताया है, ये कंडीशनल है कि मतलब 18,600 जब पार होगा उसके बाद की आप बात करें, या ओवरऑल आप कह रहे हैं कि 1 साल में ये टारगेट आने ही हैं? नहीं देखिए यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि एक जो हाई है जो बार बार 18,600 को क्रॉस नहीं करने दे रहा, उसके ऊपर मार्केट अगर यहाँ पर सस्टेन कर जाती है, निकल जाती है, तो आपको 21,000 के लेवल दिखाई देंगे। और खास तौर से जो लोग चार्ट फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए भी बताना चाहूंगा कि इस समय दो पैटर्न एक साथ बन रहे हैं डेली चार्ट पे। अगर आप देखते हैं, एक आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे हैं, दूसरा आपको यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। आप इसके बारे में जब डिटेल देखेंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा, और ये पैटर्न भी सपोर्ट दे रहे हैं, साथ ही फंडामेंटल यहाँ पर फैक्टर भी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो दोनों चीजें एक साथ बहुत कम देखने को मिलती है, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर 18,600 के ऊपर निकला तो 21,000। अच्छा सर, ये आपने जो इतनी बुलिशनेस क्रिएट करी है, मेरे मन में एक सवाल और आ गया, खास तौर पे जो छोटे निवेशक हैं उनको माइंड में रखते हुए। जब आप कह रहे हैं कि 18,600 का लेवल हम निफ्टी पे पार नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, इस बीच हमने देखा अक्टूबर में मार्केट में काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे थे, लेकिन ये जो छोटे मझोले शेयर हैं, मिड कैप और जो स्मॉल कैप हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखे हैं। तो उस लिहाज से ये जब तक 18,600 का लेवल पार नहीं हो जाता, तो क्या ये जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं उनमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है? क्या वहां पे दाव लगाने का मौका है अभी? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात है मैं इसलिए संदीप जी आपका फैन हूँ, बिकॉज आप सही टाइम पे आप सही सवाल पूछते हैं, जिससे लोगों को ज्ञान मिल पाए और लोग समझ पाए अपने पोर्टफोलियो को। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखना बहुत अच्छा है, और खास तौर से सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति रखिए। इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसे शेयर हैं जिनके की क्वार्टर्स के नंबर, चूंकि इस समय नंबर्स का सीजन है, मैं इसलिए इनको ऐड कर रहा हूं, आपने काफी अच्छी ग्रोथ देखी, और स्टॉक्स काफी अंडर वैल्यूड, यानी कि स्टॉक में कोई रैली नहीं देखने को मिली है। और आपके सामने एग्जांपल है, आपको मैं एग्जांपल के लिए बैंकिंग सेक्टर पर ले जाना चाहूंगा। इस समय आप फेडरल बैंक देखिए, कैनरा बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, जो कि मिड कैप के स्टॉक्स आते हैं, और इनमें एक बैंकिंग सेक्टर में रैली स्टार्ट हुई है। तो ये रैली आपको ऑटो के अग्जलरी में देखने को मिलेगी, फार्मा सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी, आपको आईटी सेक्टर के छोटे स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो आपका फोकस ऐसा होना चाहिए कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखिए, सेक्टर के मैंने नाम ही ले लिए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और मार्केट को ये आउट परफॉर्म करते हुए जरूर नजर आएंगे। चलिए सर, जो मोटिव था वो आपने पूरा कर दिया। आपने बैंकिंग की बात करी, आपने ऑटो एंसिलरी की बात करी, फार्मा की बात करी और आईटी, ये कुछ चार ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं वहाँ पे हो सकता है कि जब तक बाजार रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, उस लेवल को पार नहीं कर पा रहा है, तो इन चारों सेक्टर के जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। जब सर सेक्टर्स की बात हुई है, तो मैं आपसे एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी राय लेना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। एक तो दिवाली के बाद हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी उत्पादों की जो मांग है उसमें कहीं ना कहीं कमी के इंडिकेशन साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ खाद्य तेल से लेकर कुछ अन्य उत्पादों की महंगाई फिर से कहीं ना कहीं तूल पकड़ने लगी है। ऐसे में एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों पर रणनीति कैसे तैयार करनी चाहिए? देखिए जिस हिसाब से रिसेशन है उसके हिसाब से अगर देखें, तो अभी जो त्योहारों का सीजन गया है, यहाँ पर आपको
काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली, और त्योहार चूंकि इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गए थे क्योंकि पिछले कोविड के समय से लोग उतना एंजॉय नहीं कर रहे थे, उतना खर्च नहीं कर रहे थे, और आपने इस बार उस खर्च को बढ़ते हुए देखा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है खास तौर से स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं कहता हूँ तो मुझे कुछ स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं, जैसे कि एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक अच्छा है। एफएमसीजी के काउंटर में ही अगर जाते हैं तो आपको गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर अच्छा लग सकता है, टाटा कंज्यूमर आपको अच्छा लग सकता है। और साथ ही आप दो स्टॉक्स को जरूर याद रखिए, एक है डाबर और दूसरा है हिंद यूनिलीवर। ये जो पांच स्टॉक्स के मैंने नाम लिए हैं ये लंबे समय में आपको रिटर्न देंगे, लेकिन इस समय जो भी मार्केट की सिचुएशन है इसमें पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स की जो बास्केट हो उसका वेटेज 7 से 8% से ज्यादा अभी मत रखिए, क्योंकि थोड़े बहुत अगर करेक्शंस मिले तो इस वेटेज को बढ़ाएंगे, नहीं तो अभी आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो एफएमसीजी सेक्टर में अभी आप 7 से 8% का वेटेज रख सकते हैं, उसमें एचयूएल, डाबर, टाटा कंज्यूमर, जीसीपीएल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये तो आईपीओ मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पे हमारी चर्चा थी, लेकिन अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। रवि सर, ये जो सेगमेंट है हमेशा की तरह, जैसे आप जानते ही हैं, हमारे दर्शकों के लिए बहुत खास है, उनके जो सवाल हम तक आते हैं उनके जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। जो पहला सवाल हमें मिला है आज वो प्रयागराज यूपी से है, व्हाट्सएप के जरिए हमें मिला है, वो वरुणा करुणा शुक्ला जी ने हमें भेजा है। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में अमर राजा बैटरीज के 25 शेयर खरीदे थे, ₹611 उनका एंट्री प्राइस है। हाल में कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें इनका जो मुनाफा है वो करीब 43% बढ़ा है, बाजार अनुमान से अच्छे नंबर्स आए हैं, जिसके बाद शेयर उछलकर ₹580 के आसपास आ गया, पर करुणा जी का जो प्राइस था उसके नीचे ही है, उनको अभी भी कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे निवेशकों के लिए आपकी क्या राय होगी सर? देखिए, इस समय अमर राजा बैटरी एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसा सेक्टर है जो कि आगे आने वाले साल से 6 महीने 3 साल के प्रॉस्पेक्ट से देखते हैं तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्लियर कट है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 570 के पास स्टॉक चल रहा है, थोड़ा सा अगर एवरेज ऑन कर पाएंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। अपसाइड का टारगेट अगर लक्ष्य देखते हैं तो 8 महीने में 1 साल का करीब ₹680 का है, और स्टॉप लॉस आप 520 का, अगर थोड़ा सा लंबा मैं स्टॉप लॉस इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल पाए तो आपको यहाँ पर काफी अच्छे प्रॉफिट्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपनी पोजिशन पे बने रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर अच्छे आए हैं करुणा जी, आपने शेयर अच्छा चुना है, आप 680 तक के टारगेट्स के लिए से होल्ड करें, ₹520 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दूसरा सवाल इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल विश्वकर्मा ने ईमेल के जरिए भेजा है। उन्होंने सितंबर में ही M&M फाइनेंशियल के 100 शेयर खरीदे थे, ₹180 का भाव था। सर, आपको याद होगा जब RBI ने इनके जो एक्सटर्नल एजेंट्स की ओर से लोन रिकवरी पर रोक लगा दी थी, उस समय शेयर में नीचे का सर्किट भी लगा था, उस समय शायद इन्होंने ये खरीदारी करी है, पर दूसरी तिमाही के नतीजे बाजार के अनुमान से काफी बेहतर रहे हैं, जिससे शेयर अब उछलकर ₹216 के आसपास आ गया है। तो राहुल जी को काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो ऐसे निवेशक जिन्होंने उस समय बाइंग की थी लोअर लेवल्स पे, क्या उनको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए क्योंकि 20% के आसपास के रिटर्न बन रहे हैं, या अभी और रुकना चाहिए? देखिए, इस स्टॉक का टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ी सी और अभी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। 216 के पास चल रहा है, हालांकि ये ऐसा लेवल है जिसमें कि आपको मुनाफा वसूली कर भी सकते हैं, और अगर कंटिन्यू करते हैं तो ₹230 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप इस तरीके की जो अभी स्टॉक्स हैं इनमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस अगर रखना चाहें तो आप लॉन्ग टर्म पे ₹195 का, शॉर्ट टर्म पे अगर रखते हैं तो 200 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख के आप पोजिशन को कंटिन्यू रखिए और प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ने दीजिए। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो यहाँ पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यानी कि थोड़े शेयरों में मुनाफा वसूली कर लीजिए और बाकी शेयर को आप 230 के लक्ष्य के लिए होल्ड करिए। तो राहुल जी, पैसे की जरूरत है तो थोड़े शेयर आप बेच सकते हैं, मुनाफा वसूल कर सकते हैं, वरना आप ₹200 का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें, ऊपर में ये शेयर 230 तक जा सकता है। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देहरादून उत्तराखंड से भारत नौटियाल जी ने यूट्यूब के जरिए हमें ये सवाल शेयर किया है। उन्होंने इस साल जुलाई में वेदांता के 50 शेयर खरीदे थे, ₹258 पर उन्होंने इस शेयर में एंट्री की थी। हाल में इनके जो नतीजे आए थे वो अच्छे नहीं रहे थे, पर शायद एक डिविडेंड की उम्मीद इस स्टॉक को फिर से ड्राइव करने लगी, जिस वजह से हमने पिछले हफ्ते इस शेयर में काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए देखे हैं। शेयर बढ़कर ₹320 के आसपास आ गया है, यानी भारत जी को अब अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। तो वेदांता में सर, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या कोई बड़ा डिविडेंड आने वाला है, मतलब कोई अगर होल्ड कर रहा है तो उसे रुकना चाहिए या बेच देने चाहिए इन लेवल्स पे? देखिए, पिछले महीने के हिसाब से देखें तो 1 महीने, 3 महीने, 1 साल में देखें तो ये स्टॉक्स ने थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। 3 महीने के हिसाब से देखें तो 28%, 1 महीने में 12%, और साल के हिसाब से आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, शायद 2.5-3% के पास रिटर्न है। तो
यहां पर अभी स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है तो अच्छा है। प्रॉफिट को हमेशा मैं कहता हूं, जब प्रॉफिट आए तो जल्दबाजी मत करिए, उसको एक स्ट्रेटजी के तहत चलने दीजिए। अभी 300 के स्टॉप लॉस से इसको चलने दीजिए, 350 का लेवल आता है प्रॉफिट बुक करिए, और आप धन्यवाद भी करिए क्योंकि मनी नाइन पे आपको इसी तरीके के सजेशंस मिलते हैं जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ सके। ठीक है, तो भारत जी आपके लिए राय ये है कि जो प्रॉफिट है आपका थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, 350 तक ये शेयर जा सकता है, ₹300 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, वेदांता के शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं। चौथा सवाल भागलपुर बिहार से प्रणव रंजन ने हमें फेसबुक पेज पे शेयर किया है। उन्होंने पिछले साल नवंबर में राइट्स लिमिटेड के 50 शेयर ₹275 पर खरीदे थे। हाल में कंपनी को बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से करीब ₹500 करोड़ का एक ऑर्डर भी मिला है। अब ये शेयर ₹432 के आसपास आ गए, यानी प्रणव जी को काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। हाल में हमने देखा है सर, पहले बैंकिंग स्टॉक्स चले थे, उसके बाद PSU से जुड़े कुछ और शेयर चले थे, अब कहीं ना कहीं जो रेलवे के शेयर हैं वो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। क्या ये तेजी आपको टिकाऊ नजर आती है या फिर हमारे जो दर्शक हैं उनको मुनाफा वसूल लेना चाहिए राइट्स में? देखिए एक चीज समझिए कि जब भी बजट का टाइम आता है तो रेलवे के स्टॉक्स में एक हलचल चालू हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीजनल सब्जी की तरह, थोड़ा सा वेजिटेबल्स की तरह ज्यादा होते हैं कि जब सीजन आता है तो उसकी सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है। वैसा ही कुछ इसका आप देखेंगे प्रोडक्टिविटी लाइन है, अभी आगे बजट की तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं तो उसकी वजह से भी ये स्टॉक में परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, एक अपवर्ड मोमेंटम बन रहा है। फिलहाल इसको चलने दीजिए, 480 का लक्ष्य आप बनाकर चलिए। लोअर साइड पे अगर आप स्टॉप लॉस देखते हैं तो 380 के नीचे अगर जाता है तभी आपको एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो अपने प्रॉफिट को बढ़ने दीजिए। वो भी ग्रो कर रहा है और इस समय इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मुझे लगता है 480 का एक लक्ष्य बना कर रखिए। उन लेवल्स पर आता है तो प्रॉफिट बुक करके दूसरे स्टॉक्स की तरफ निवेश करें या फिर पैसा बाहर निकालें। तो प्रणव जी आप होल्ड कीजिए राइट्स के शेयर को, ₹480 तक के शेयर जा सकता है, पर ध्यान रहे जैसे रवि सर ने कहा ₹380 के आसपास का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिए, उसके नीचे जाए तो आप इस शेयर से एग्जिट कर सकते हैं। इसी के साथ रवि सर हमेशा की तरह आज हमारे साथ IPO मार्केट्स पर खास चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों के सवालों के जो जवाब आपने दिए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद मुझे आप एक बार फिर से मुझे आपके चैनल पर बुलाने के लिए। Thank you.